हेलो व्यूवर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का लेसन है बटरफ्लाई क्लास 3 से लेसन 6। एक पैसेज हम लोग एक यूनिट 1 हम देख चुके हैं, आज देखेंगे यूनिट 2 और इसके बाद आएगी एक्टिविटीज़ की वीडियो, इसीलिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज हम जानेंगे एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में, यूनिट 2। हमिद स्टडीज़ इन क्लास 3। 3 में पढ़ता है हमिद, हिज फादर इज़ अ फिशरमैन, एक मछुआरा है, मछुआरे हैं उसके पिता। समटाइम्स हमिद गोज़ आउट विथ हिज फादर टू कैच फिश, कभी कभी हमिद अपने पापा के साथ मछली पकड़ने जाता है। हमिद लव्स टू ईट फिश, हमिद को मछली खाना बहुत पसंद है। फिश लिव इन वाटर, मछलियाँ पानी में रहती हैं। दे आर एक्वेटिक एनिमल, वो जलीय जंतु हैं। दे कैन ब्रीद इन वाटर विद देयर गिल्स, वो पानी में गिल्स की सहायता से सांस लेती है, गलफड़ जिसे कहते हैं। बट वेन वी टेक देम आउट ऑफ द वाटर दे डाई, लेकिन जब हम उन्हें पानी से बाहर निकालते हैं वो मर जाती है। अ फिश मूव्स वेरी इजीली इन वाटर, पानी में बहुत ही आसानी से तैर सकती है मछली। द टेल ऑफ अ फिश इज़ हार्ड, क्योंकि उसकी पूंछ बहुत हार्ड होती है। द फिश चेंज इज डायरेक्शन विथ इट्स टेल, ये टेल ही है जो उसको दिशा परिवर्तन करने में मदद करती है। There are various types of fishes, बहुत तरह की मछलियाँ होती हैं। Some live in fresh water, कुछ ताजे पानी में रहती हैं। While other live in saline water, और कुछ खारे पानी में रहती हैं। Fishes like हिल्सा पॉम्फ्रेट live in saline water, हिल्सा पॉम्फ्रेट नामक मछलियाँ जो हैं वो खारे पानी की मछलियाँ हैं। They migrate to sweet water to lay, लेकिन जब भी उन्हें अंडे देने होते हैं तो वो मीठे पानी में चली जाती हैं। मीठे पानी का मतलब है नदी तालाब आदि में। पीछे आने वाली नॉइज़ को इग्नोर करें प्लीज़। अदर फिशेस लाइक कोई रोई होना चाहिए था, रोई कतला लिव इन पॉन्ड एंड लेक्स, दूसरी मछलियाँ जैसे रोई और कतला तालाब और झीलों में रहती हैं। हमिद नोज दैट मेनी ऑफ हिज फ्रेंड कीप फिश एज पेट, हमिद को पता है उसके बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मछलियों को पालतू बना कर रखते हैं। फिशेस लिव ऑन वॉर्म, मछलियाँ जो है वॉर्म खाती हैं कीड़े। बट सम फिशेस ईट अदर स्मॉल फिशेस, लेकिन कुछ मछलियाँ अपने से छोटी मछलियों को खाती हैं। फिशेस आर वेरी हेल्पफुल टू अस, मछलियाँ हमारे लिए बहुत मददगार हैं। अ फिश कॉल्ड गुपी ईट्स द लावा ऑफ मॉस्किटो, एक मछली जो गुपी नाम की है वो मॉस्किटो के माने मच्छरों के लार्वा को, मच्छरों के जो अंडे होते हैं कह सकते हैं बच्चों को, वो खाती है और हमारा उपकार करती है। प्रॉन्स ऑल्सो लिव इन वाटर, प्रॉन माने चिंगड़ी वो भी पानी में रहती है। प्रॉन्स आर नॉट फिश, वो मछली नहीं है। दे आर इंसेक्ट, वो कीड़ा है एक प्रकार का। दे कैन ऑल्सो स्विम वेरी फास्ट, वो भी बहुत तेज तैरती है। द बॉडी ऑफ प्रॉन इज कवर्ड विथ सॉफ्ट सेल, उसकी जो त्वचा होती है वो सेल से ढकी होती है, एक मुलायम सी चमड़ी होती है शेल। ए प्रॉन हैज़ नो बैकबोन, उसका कोई बैकबोन रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। हमिद फादर टोल्ड हिम दैट द प्रॉन बॉडी हैज़ 3 पार्ट, हमिद के पापा ने उसे बताया कि प्रॉन की जो शरीर होता है वो 3 भागों में बटा होता है। द हेड द थॉरेक्स एंड द एब्डोमेन, ये है हेड, ये है थॉरेक्स और ये है एब्डोमेन, जिस सिर धड़ और उदर किस जिसे कहते हैं। द हेड हैज़ एन एंटीना, सिर पे एक एंटीना, दो एंटीने होते हैं एंड दो आँखें होती हैं। द मिडिल पार्ट इज कॉल्ड थॉरेक्स, बीच का भाग जो थॉरेक्स कहलाता है। प्रॉन हैज़ जॉइंट लेग, इसके जो पैर होते हैं वो संयुक्त पद होते हैं, माने दो भागों में जुड़े हुए होते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज द एब्डोमेन, और जो निचला भाग होता है वो एब्डोमेन कहलाता है। लाइटिंग की प्रॉब्लम के लिए माफ़ी चाहती हूँ, हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन हेल्पफुल होगी ज़रूर से, इसीलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें। वन डे हमिद फादर फाउंड अ क्रैब इन द नेट, एक दिन हमिद के पापा को जाल में एक क्रैब केकड़ा मिला। हमिद सॉ दैट द क्रैब हैज़ पिंसर, उसने देखा कि केकड़े के पिंसर होते हैं। पिंसर मतलब वो आगे का जो मैं आपको दिखाती हूँ। हिज फादर टोल्ड हिम दैट देयर आर नो बोन्स इन अ क्रैब जॉइंटेड लेग, हमिद के पापा ने उसे बताया कि क्रैब के जो जुड़े हुए पैर होते हैं, ये जो पैर हैं इनमें कोई हड्डी नहीं होती है, देखिए इसे कहते हैं पिंसर। हमिद सॉ दैट द जॉइंट लेग हैव हार्ड कटर आउटर कवर, हमिद ने देखा कि उसके जो पैर हैं उसमें बहुत कठोर
कवर्स है, मैंने बाहरी जो खोल है वो बहुत ही कठोर है। When the rain came, हामिद heard the croaking of frogs. जब बारिश आती है तो हामिद को मेढकों का क्रोकिंग, टर टर की आवाज़ सुनाई देती है। One day a frog came into their house. एक दिन एक मेढक उनके घर पे आ गया। हामिद caught the frog. हामिद ने उसे पकड़ लिया। The frog was looking at him with its big red eyes. हामिद को वो मेढक बड़ी बड़ी लाल आँखों से देख रहा था। हामिद saw that the skin of frog was rough and moist. हामिद ने देखा, नोटिस किया कि जो मेढक की चमड़ी है वो रफ है, मैंने खुरदरी है, और मॉइस्ट मैंने भीगी भीगी चिकनी चिकनी। इट्स हाइंड लेग आर ऑलवेज फोल्डेड, उसने देखा उसके हाइंड मैंने पीछे के जो पैर होते हैं वो हमेशा मुड़े हुए रहते हैं। हिज फादर टोल्ड हिम दैट द फोल्डेड लेग हेल्प द फ्रॉग टू जम्प। उसके पापा ने बताया कि इसके जो जुड़े हुए मुड़े हुए पैर हैं उसे जंप करने में मदद करते हैं। द फ्रंट लेग आर स्मॉल, और आगे के पैर छोटे होते हैं। ही ऑल्सो सॉ दैट द फ्रॉग हैज़ टो लाइक हिम, उसने देखा कि फ्रॉग के टोज होते हैं माने पैर होते हैं, बट द टोज आर जॉइंट विथ स्किन, ये टो जो हैं उंगलियाँ होती हैं उसकी, लेकिन ये स्किन से जुड़ी हुई रहती है, हमारी तरह अलग अलग नहीं रहती। हामिद फादर सेड दैट हीज द वेब्ड फीट हेल्प हिम इट टू स्विम, हामिद के पापा ने उसे बताया ये वेब्ड फीट माने ये जो जुड़े हुई जालीदार जो पैर होते हैं वो उसे तैरने में मदद करते हैं। इट लिव्स इन वाटर एंड ऑल्सो ऑन लैंड, वो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी। इट लिव्स इन वाटर एंड ऑल्सो ऑन लैंड, मेढक जो है पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी। हामिद ट्राइड टू गिव सम फूड टू द फ्रॉग, हामिद ने मेढक को कुछ खाने के लिए दिया। हिज फादर लाफ्ड, तो उसके पिताजी हंसने लगे। एज अ फ्रॉग वुड ओनली ईट इनसेक्ट, क्योंकि वो जानते हैं कि फ्रॉग सिर्फ कीड़े खाता है। इट्स फोल्डेड टंग वुड ईजिली कैच अ फ्लाई और एन इंसेक्ट, उसकी जो मुड़ी हुई जबान होती है उसके सहायता से वो आसानी से किसी मक्खी या कीड़े को झट पकड़ लेते हैं। हामिद लेट द फ्रॉग गो, हामिद ने मेढक को जाने दिया। ही डिसाइडेड नॉट टू थ्रो स्टोन्स एट द फ्रॉग एवर अगेन, और उसने निर्णय किया कि वह मेढकों पर पत्थर नहीं मारेगा जब भी वह उन्हें दोबारा आगे देखेगा। अक्सर बच्चों की आदत होती है मेढक या दूसरे कीड़े मकोड़ों को पत्थरों से मारते हैं, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो छोड़ दीजिए। इसी के साथ आज का पैसेज यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी, अगर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इसके आगे आने वाली वीडियो इस चैप्टर की एक्टिविटीज़ होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।